हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, ट्रांसलेशन बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स भी। वो कैसे, आखिर टिप्स एंड ट्रिक्स किस प्रकार काम करते हैं। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी सेंटेंस और इसके रूल्स को भी देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आखिर इसे ट्रांसलेट करेंगे कैसे। लेकिन देखने में भले ही बड़ा दिखता हो या फिर कठिन दिखता हो, लेकिन ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं जो सबसे पहला ट्रांसलेशन का जो तरीका है वो है जहाँ एक और वहीं दूसरी और, इससे जुड़ा हुआ टोटल सेंटेंस है। और जो दूसरा है जहाँ और वहाँ, इसका मतलब वहाँ देख लेंगे। पहले इसको सेंटेंस देखते हैं कि जहाँ एक और प्रेम है वहीं दूसरी और नफरत है, जहाँ एक और गरीबी है वहीं दूसरी और विशाल धन है, इस तरीके का सेंटेंस है। लेकिन ये देख रहे हैं सेकंड में देख रहे हैं जहाँ और वहाँ, जैसे जहाँ कुछ लोग सबों से प्रेम करते हैं वहीं कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, जहाँ जातिवाद खत्म होने के कगार पर है वहीं कुछ नेता इसे हवा दे रहे हैं। ये सिंपल जैसा लगता है लेकिन सेंटेंस इसका बहुत बड़ा है। लेकिन उसे आसान तरीके से कैसे बनाएंगे, इसके हम टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और ट्रांसलेशन की कला को इम्प्रूव कीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। एक बात याद रहे कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा इसी से संबंधित, और आपको जवाब देना होगा। मैं एक एक आंसर को ठीक से चेक करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आंसर जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, जहाँ एक और वहीं दूसरी और, इसके रूल को आप याद कर लीजिए। इसे हम व्हाइल से बनाएंगे, व्हाइल ऑन द वन हैंड, ठीक से समझिए, व्हाइल ऑन द वन हैंड, और दूसरी और जो यूज होगा ऑन द अदर। अब इसको यूज कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। पहला कैसे है, व्हाइल ऑन द वन हैंड, और उसके लास्ट वाली सेंटेंस के लिए यूज होगा ऑन द अदर, इसे आप याद रखिए। चलिए अब इसे ट्रांसलेट करके बताते हैं कि कैसे इस हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इस रूल पे। तो जहाँ एक और प्रेम है वहीं दूसरी और नफरत है, तो चलिए व्हाइल से शुरू करते हैं। तो व्हाइल, अब देखिए कितना ईजी है, व्हाइल ऑन द वन हैंड, व्हाइल ऑन द वन हैंड, ये हो गया। अब देखिए प्रेम है तो देयर इज लव, देयर इज लव। अब क्या होगा, वहीं दूसरी और नफरत है, वहीं दूसरी और नफरत है, तो फिर देयर इज हेटरेड, और दूसरी ओर ऑन द अदर, ऑन द अदर। इस आसान तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, फिर से समझेंगे, व्हाइल ऑन द वन हैंड के बाद सेंटेंस और फिर सेंटेंस को कॉमा दे करके और उसके बाद फिर ऑन द अदर का यूज करेंगे। एक एक करके टोटल को देख लीजिए। और दूसरा सेंटेंस है, जहां एक और गरीबी है वहीं दूसरी और विशाल धन है, तो चलिए फिर देखते हैं, व्हाइल ऑन द वन हैंड और फिर गरीबी है तो देयर इज पॉवर्टी, बड़ी बड़ी सेंटेंस बन रही है। व्हाइल ऑन द वन हैंड देयर इज पॉवर्टी, दूसरी और क्या है, विशाल धन है, तो देयर इज वास्ट वेल्थ ऑन द अदर, ऑन द अदर। तो इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन इन सब को देख लेने के बाद तो क्लियर हो जाएगा। जैसे जहां एक और जन्म है वहीं दूसरी और मृत्यु है, तो जहां व्हाइल ऑन द वन हैंड क्या है, जन्म है तो देयर इज बर्थ, दूसरी और क्या है, मृत्यु है तो देयर इज डेथ ऑन द अदर।
इस तरीके से इसे ट्रांसलेट करेंगे, जहां एक और जन्म है वहीं दूसरी और मृत्यु है, तो व्हाइल देयर इज, व्हाइल ऑन द वन हैंड देयर इज बर्थ देयर इज डेथ ऑन द अदर, जहां एक और विनाश है वहीं दूसरी और सृजन है। तो चलिए फिर लिखेंगे, व्हाइल ऑन द वन हैंड क्या है, विनाश है तो देयर इज डिस्ट्रक्शन, व्हाइल ऑन द वन हैंड देयर इज डिस्ट्रक्शन देयर इज क्रिएशन ऑन द अदर। देखने में बहुत लंबा सेंटेंस और बड़ा सेंटेंस लगता है, लेकिन बनाना आसान है। जहां एक और सफलता है वहीं दूसरी और असफलता है, ध्यान से देखिए क्योंकि इसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर लिखेंगे, व्हाइल ऑन द वन हैंड देयर इज सक्सेस, देयर इज फेल्योर ऑन द अदर। तो इस तरीके से आप इन सभी को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन आगे देख लीजिए, जहां एक तरफ कुछ लोग सबों से प्रेम करते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे चलिए शुरू करते हैं। और चलिए आगे देख लेते हैं, जहां और वहां सेंटेंस कैसा है। जहां वह हिंदी नहीं जानता है वहीं उसकी पत्नी अंग्रेजी में बात करती है, बिल्कुल अपोजिट है। स्ट्रक्चर को देख लीजिए, इसके लिए हम फिर व्हाइल का यूज कर सकते हैं या फिर व्हेयर एज, व्हाइल या फिर व्हेयर एज का यूज करेंगे, और उसके बाद एस सी या फिर उधर लास्ट में पी सी। आखिर एस सी पी सी क्या है, जो पहले वाला सेंटेंस है वह एस सी सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और जो सेकेंड वाला सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस है वह है पी सी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए आप इनमें से किसी एक का यूज करते हैं, कर सकते हैं तो व्हेयर एज का यूज कीजिए। चलिए व्हेयर एज, जहां वह हिंदी नहीं जानता, व्हेयर एज प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है ही डज नॉट, व्हेयर एज ही डज नॉट नो हिंदी, उसकी पत्नी अंग्रेजी में बात करती है। अब आपको ध्यान देना है कि जहां और वहां का मात्र एक ही वर्ड यूज होगा, वो व्हेयर एज या फिर व्हाइल कर सकते हैं, इधर कुछ नहीं होगा। इधर डायरेक्ट इसको आप ट्रांसलेट कर देंगे, उसकी पत्नी हिज वाइफ अंग्रेजी में बात करती है तो टॉक्स इन इंग्लिश। इसी तरीके से और सेंटेंस को देख लेते हैं, जहां कुछ लोग सभी से प्रेम करते हैं वहीं कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, तो हम चाहें तो इसे व्हाइल का भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल सम पीपल दूसरों से प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, व्हाइल सम पीपल लव ऑल, और वहीं कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, तो इसके लिए फिर कुछ करना नहीं है, सम पीपल स्प्रेड हेटरेड, सेकेंड सेंटेंस को बस ट्रांसलेट कर देना है, हमें टेंस पता रहना चाहिए। जहां जातिवाद खत्म होने के कगार पर है वहीं कुछ नेता इसे हवा दे रहे हैं, जातिवाद बिल्कुल खत्म है। कैसे, आप अपने स्कूल में देखें, सभी दोस्त एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं, कोई बीच में नहीं आता। लेकिन वो स्कूल कॉलेज से जैसे बाहर निकलते हैं तो लीडर के भाषण में जातिवाद जरूर रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों से बचे, और जातिवाद अगर कुछ है भी उसे खत्म करने का प्रयास करें। इंसान एक है और धर्म एक है, वह मानवता। चलिए शुरू करते हैं, जहां जातिवाद खत्म होने के कगार पर है वहीं कुछ लोग इसे हवा दे रहे हैं, तो चलिए व्हाइल या फिर व्हेयर एज का यूज कर सकते हैं।
तो वेयर एज जातिवाद द कास्टिज्म इज ऑन द वर्ड्स ऑफ अबोलिशन का मतलब समाप्ति होता है. वेयर एज द कास्टिज्म इज ऑन द वर्ड्स ऑफ अबोलिशन कुछ लीडर इसे हवा दे रहे हैं. तो सम लीडर्स आर फ्यूलिंग इट सम लीडर्स आर फ्यूलिंग इट कुछ लीडर इसे हवा दे रहे हैं. याद रखिए, जहां धर्म प्रेम करना सिखाता है वही नेता दंगा करना सिखाते हैं. चलिए, वेयर एज रिलीजन टीचेज वेयर एज अ रिलीजन टीचेज क्या सिखाता है, हाउ टू लव मतलब प्रेम करना सिखाता है. नेता क्या करते हैं, वही नेता दंगा करना सिखाते हैं. तो लीडर्स टीच हाउ टू कमिट राइट मतलब वेयर एज रिलीजन टीचेस हाउ टू लव लीडर्स टीच हाउ टू कमिट राइट. और नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, जहां कुछ लोग भक्ति गाना सुनते हैं वहीं कुछ लोग अश्लील गाना सुनते हैं, ऐसा होता है. तो चलिए अब इसे हम व्हाइल से भी बना सकते हैं. व्हाइल सम पीपल लिसन टू डिवाइन म्यूजिक या फिर डिवाइन सॉन्ग, वही कुछ लोग अश्लील गाना सुनते हैं. Some people listen to obscene songs या फिर म्यूजिक भी लिख सकते हैं. तो इसमें while या फिर वेयर एज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पहला सेंटेंस के ठीक विपरीत गुण वाला सेकेंड सेंटेंस है. तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की और देखते हैं आपका जवाब कितना सटीक होता है. तो चलिए आज का सवाल है, जहां एक ओर गरीबी है वहीं दूसरी ओर अमीरी है. सवाल, जहां एक ओर गरीबी है वहीं दूसरी ओर अमीरी है. तो चलिए आपके जवाब का हम इंतजार करते हैं. तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.